ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे एक्सक्रीटरी सिस्टम तक। ओके, द रिमेनिंग वन इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देन वी विल सी द डेवलपमेंट ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। ओके, सो इफ यू सी द सिलेबस ऑफ फोर्थ पेपर, आपने देखा है फोर्थ पेपर का सिलेबस? फोर्थ पेपर, यस सर, यस सर, पेपर फोर्थ यस सर, यूनिट 3। यूनिट 3 में देखिए एक पॉइंट में लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ एम्फियोक्सेस टिल इट्स सिलोमिक, टिल द फॉर्मेशन ऑफ सिलोम। देखा है आपने? पेपर 4 का सिलेबस में यस सर, यूनिट 3 यू विल फाइंड दिस पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ एम्फियोक्सिस टिल इट्स सिलोमिक स्टेज। दिखा? यस सर, यस सर, सो वी विल यस सर, इंक्लूड दैट पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑल्सो हियर। ओके, सो पेपर 4 का भी वो इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, आप लोग एग्री हैं? क्योंकि तो मिलता जुलता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद हम लोग को बेसिकली एम्फियोक्सिस का लाइफ साइकिल देखना है। तो उस लाइफ साइकिल में एम्ब्रायोनिक स्टेज डेवलपमेंट है। ओके, तो एम्ब्रायोनिक स्टेज डेवलपमेंट में टिल द फॉर्मेशन ऑफ द सिलोम वी विल स्टडी। ओके, आगे बढ़े। कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज यू नो ऑलरेडी, दिस एनिमल इज व्हाट? दिस एनिमल इज हैविंग द सेक्सेस मेल एंड फीमेल प्रेजेंट ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। सो सेक्सेस आर सेपरेट। ओके, बट मेल्स एंड फीमेल्स आर अलाइक, शोइंग नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मीन्स मॉर्फोलॉजिकली मेल एंड फीमेल लुक्स अलाइक। ओके, जब तक इसको एनाटोमिकली आप नहीं देखोगे, और केयरफुली ऑब्जर्वेशन ऑफ द मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ सम स्पीसीज यू कैन नोटिस येलो कलर्ड गोनाड इन फीमेल एम्फियोक्सिस एंड व्हाइट कलर गोनाड इन मेल एम्फियोक्सिस, बट दैट इज ओनली लिमिटेड टू सम ऑफ द स्पीसीज। तो बेसिकली देयर इज एंड दैट इज एनाटोमिकल स्ट्रक्चर, प्रेजेंस ऑफ गोनाड इज देयर इन इट्स इन साइड इट्स बॉडी। सो मॉर्फोलॉजिकली देयर इज नो डिफरेंस इन दिस बॉडी इन द बॉडीज ऑफ मेल एंड फीमेल। सो देयर इज नो सेक्सुअल डायमोर्फिजम इन दिस। क्लियर है? सी, यू कैन सी द पोजिशन ऑफ गोनाड्स हियर। ओके, वेंट्रोलेटरल साइड ऑफ दिस एनिमल गोनाड्स। गोनाड्स किसको बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बोथ आर गोनाड्स। सो द गोनाड्स इधर टेस्टीज और ओवरीज लाई इन द वेंट्रोलैटरल पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी वॉल। सी दिस, वेंट्रल एंड लैटरल। वाई लैटरल? बिकॉज बोथ साइड वन पेयर ऑफ, बिकॉज लैटरली वन पेयर ऑफ गोनाड्स आर प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक सेगमेंट्स बीनीथ द मायोटोम। मायोटोम आर द सेगमेंट ऑफ मसल्स। सो यू कैन सी बीनीथ द मायोटोम देर इज अ प्रेजेंस ऑफ गोनाड। ओके, इन द एट एंड द ओपनिंग ऑफ द गोनाड इज देयर इन द एट्रियल कैविटी। सो प्रोजेक्टिंग इन टू द एट्रियम। ओके, देयर आर अबाउट 26 पेयर ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज अरेन्ज्ड मेटामेरिकली। ओके, 26 पेयर है टेस्टिस या ओवरी का और मेटामेरिकली अरेंज्ड है। ओके, और एक पेयर जो है
हर मेटामेयर में है, हर सेगमेंट में है, 25 से 51 तक का सेगमेंट में, हर सेगमेंट में मायोटोम के नीचे डोर्स वेंट्रोलैटरली देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वन पेयर ऑफ गोनैड इधर टेस्टिस और ओवरीज. सो दे बिगिन फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द फैरिंग्स. तो 25वां नंबर का जो सेगमेंट है वो मिडिल ऑफ द फैरिंग्स यू कैन ऑब्जर्व हियर. फैरिंजियल रीजन इतना था, यहां तक मिडिल ऑफ द फैरिंग्स स्टार्ट हुआ एंड रन अप टू द एट्रियोपोर. फैरिंग्स के बीच से लेके एट्रियोपोर के एंड तक है ऑन ईच साइड. एंड ईच गोनाड इज ए सिंपल हॉलो सैक. हॉलो सैक है एंड दैट सैक इज लाइंड बाय द जर्मिनल एपिथीलियम एंड इन साइड दैट सैक दिस दैट इज हॉलो एंड मिजोडर्मल इन ओरिजिन. दिस यू हैव टू रिमेंबर गोनाड इज मिजोडर्मल इन ओरिजिन इन एम्फियोक्सिस. गोनाड्स आर डेराइव फ्रॉम द वॉल्स ऑफ सिलोम एंड ईच इज enclosed in a pouch of siloam that is called as gonocele. So there are various type of cavities and pouches are present in this animal. Okay, so here the pouch in which gonad are present are called as gonocele. And this gonocele and the inside that pouch the gonad is present. I'll show you in the picture. The gonad is opening in the atrium also. Okay, so this is about the gonad. Gametes, male gametes and female gametes. In section, ovaries have cells with large nuclei. Can you see this picture? Can you? Yes. See, this is ovary. Okay, TSO branchiostomata passing through posterior region of the pharynx. तो इसमें दिख जाएगा posterior region में, क्योंकि pharynx के आधा से start है segment number 25 से 51 तक. तो वहां से section लिया गया posterior region of the pharynx showing gonads. So what are the structures that are visible in this section? You can see there is a body wall. This is dorsal fin, slight elevation on the mid dorsally. This is dorsal fin. Dorsal fin ray is there. Okay. And you will find the neural nerve cord. Then notochord, notochordal sheath is around this. Epidermis, myotomes. Myotomes are the segment of muscles. Dorsal erota, these structures are visible. Dorsal siloamic canal, gill slits, because this is passing through the pharynx. So you can observe here, there are gill slits. Okay, and at the base there is endostyle and endostylar siloamic canal. Okay, metapleural folds niche mein, and these are muscles, transverse muscles. Liver diverticulum is seen, and you can observe here, these are ovaries. Why this is ovary? Because you can see large nucleus inside this. So ovaries are composed of many oocytes. In its developing stages are there many oocytes are there. Okay, when the oocyte mature, that means at the level of secondary oocyte is called when primary oocyte undergoes meiosis and the formation of first polar body occurs. Theek hai, to first meiosis first ho gaya, that is the reduction division. And after that reduction division, the cell is called as secondary oocyte. Primary oocyte, 2N. Then
becomes secondary oocyte. दिख रहा है मेरा ड्रॉइंग आपको? Yes, sir. Secondary oocyte. Secondary oocyte is N, haploid. Okay, and this you will see in many of these animals in its oogenesis process. Primary oocyte, diploid. Secondary oocyte is haploid. And here in between these, meiosis one has happened. And as a result of meiosis, what you get? Two daughter cells, and both are haploid. Meiosis one is also called as reduction division. Why reduction? Because the genomic content has become half. Okay. Not only half, usme bhi half ho raha hai, mitosis mein bhi. Here also is half. But the paired homologous chromosomes, each homologous chromosomes, now the paired condition of the homologous chromosomes has lost. Now the chromosome are alone, not a paired state. So that is haploid. This is secondary oocyte. So along with the secondary oocyte production, there is a formation of a polar body, which is also called as polocytes. आपको दिख रहा है ये ब्लू डॉट? यस सर. ओके, सो यू मे नोटिस व्हाई दिस इज अनइक्वल डिवीजन बिटवीन दिस सेल्स, बिकॉज ओनली वन सेल इज गोइंग टू बिकम एन ऊसाइट, बिकॉज योक विल बी प्रिजर्व्ड इन दिस. ओके, एंड बिफोर दिस एंड ड्यूरिंग दिस formation from primary oocyte to secondary oocyte, there is growth phase, where and growth phase is marked by the vitellogenesis process. Vitellogenesis is the synthesis of yolk. So now the oocyte cannot afford to divide this important nutritional gain which it has gained during growth phase, and this nutrition is required for the development of embryo. So there is unequal division, so that all the nutrients and yolk materials with its nucleus of one cell, it is intact in the one cell, and one cell is devoid of these yolky materials, and the cytoplasm is very thin. Basically the polar body is mostly composed of nucleus. So polar body is basically half of this nucleus. So polar body is waste, it will be discarded. So this secondary oocyte, now point to be noted here is that when the formation there is, you already know that outer membrane or outer envelope of any cell, whether nucleated or unnucleated, that will be called as, kya bolte hain usko, kya bolte hain? नहीं पता क्या सर? रिपीट सुन नहीं रहे थे हम. क्या बोल रहे हैं कि सेल का जो बाउंड्री है, दैट बाउंड्री इज मार्क्ड बाय विच मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्या ध्यान नहीं है आप लोगों का? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम नहीं सुने हो? यस सर. यस सर. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. एंड ऊसाइट के केस में क्या होता है, तो ऊसाइट भी एक सेल है, ठीक है. ड्यूरिंग दिस ग्रोथ फेज देयर इज वन मोर मेम्ब्रेन
is synthesized and overlapped over plasma membrane. Initially, these two membranes are joined together. Okay, there is no gap between these two. And particularly in the case of this animal, human ke case mein alag hai. There is a zona pellucida region also in between. I am talking about amphioxus now. So in this case, what happens? Oocyte ke just oocyte mein kya hai? Ek to apna uska plasma membrane hai. And plasma membrane ke bahar एक और मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं रेड वाला वाइटेलाइन मेम्ब्रेन. दिस इज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अभी फिगर में ये इनसाइड बन गया है, उसको आप इग्नोर करोगे. यहाँ दिस इज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. समझ में आ रहा है आपको? यस सर. दैट इज वाइटेलाइन मेम्ब्रेन. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज at the end of this process, actually oogenesis is not ending, oogenesis is continued. Oogenesis means the formation of haploid ova, that is oogenesis. Okay, but here what happens? First meiotic division has occurred, second meiotic division is in wait, cell has arrested itself. Second meiotic division will not take place until this oocyte is fertilized by sperm from its vegetal pole end. ठीक, क्यों इसको बोलते हैं वेजिटल पोल और एनिमल पोल, ये भी आप समझिए. दिस इज सेकेंडरी oocyte. यू विल फाइंड वन polar body. Now this first polar body, and this is called as first polar body or first polocytes. This first polar body, now you can tell whether this first polar body will be outside vitelline membrane or outside plasma membrane, or this first polar body is between the perivitelline space. एक सेकेंड थोड़ा सा मैं ब्रेक ले रहा हूं, 5 मिनट. ओके, हेलो. यस सर. यस सर. 5 मिनट का ब्रेक. ओके, कोई आए? ओके सर. Okay, so what I have asked you is the first polar body. Okay, a first polar body के बनने के पहले इसमें oocyte के पास plasma membrane तो था ही, ठीक है, and vitelline membrane भी था. तो जब cell division होगा तो first polar will be outside the vitelline membrane. Okay. इसमें क्या समझने का है, यही मैं पूछ रहा था, कहां होगा? फर्स्ट पोलर बॉडी विल बी आउटसाइड द वाइटलाइन मेम्ब्रेन. ओके, यस सर. नाउ एंड द न्यूक्लियस ऑफ दिस ऊसाइट इज टुवर्ड्स दिस, क्योंकि यहां पर पोलर बॉडी निकला था, न्यूक्लियस है उसके बगल में, अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के. This nucleus is called as pronuc nucleus because this is haploid. Pronucleus is towards this. So this egg is now eccentric, and this egg is also containing little amount of cytoplasm. That's why it is called as microlecithal. Microlecithal as well as isolecithal. Microlecithal means sir, जो egg छोटा हो. Perfect.
एक छोटा होगा तो माइक्रोलेसिथल बोलेंगे। सर योक 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 कंटेंट हाँ सर योक 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 कंटेंट इफ देर इज अ लिटिल अमाउंट ऑफ योक देन इट इज कॉल्ड एज माइक्रोलेसिथल एग एंड इफ योक अमाउंट इज लिटिल एज योक इज हैवियर देन साइटोप्लाज्म बेसिकली योक कंटेंट्स प्रोटीन मटेरियल एंड लिपिड मटेरियल सो लाइपोइड पोर्शन ऑफ द योक इज लाइटर देन साइटोप्लाज्म एंड प्रोटीन कंटेंट इज हैवियर देन दैट बट स्टिल लाइपोइड कंटेंट्स इज मिक्सड विद द प्रोटीन कंटेंट ज्वाइन टूगेदर विद द प्रोटीन कंटेंट एंड इट मेक्स दिस होल योक ग्रैन्यूल्स हैवियर देन द साइटोप्लाज्म सो द योक ग्रैन्यूल सेटल towards the vegetal pole or the pole towards which the yolk is settled is called as vegetal pole and there is one pole where the nucleus is present that is called as animal pole this is animal pole ठीक microlecithal egg जब है तो egg जो है isolecithal भी होता है साथ ही साथ क्योंकि योक अमाउंट कम है तो वो सेटल करेगा नहीं नाउ इट इज स्कैटर्ड यूनिफॉर्मली इन द साइटोप्लाज्म ओके योक बट पेरिफेरल लेयर ऑफ द साइटोप्लाज्म इज क्लियर इट इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर इवनली आ रहा समझ में Yes. Okay. So what happens next? Now fertilization will occur. Now the egg is ready. After first meiotic division, reduction division, formation of first polar body has happened, and meiosis two is arrested until the fertilization will happen. So, अब क्या होगा? आप लोग कंफ्यूज नहीं करोगे ओव्यूलेशन को फर्टिलाइजेशन से ओव्यूलेशन इज डिफरेंट थिंग एंड फर्टिलाइजेशन इज डिफरेंट थिंग एंड स्पाउनिंग इज डिफरेंट थिंग ओव्यूलेशन किसको बोलेंगे जब ओवरी से मैच्योर ओवा फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार मैच्योर ओवा मतलब सेकेंडरी ओसाइट रप्चर करके ओवरी के वाल को रप्चर करके क्योंकि ओवरी के अंदर है ये सारे ओवरी के वाल को रप्चर करके बॉडी में या कैविटी में या गोनोडक्ट ठीक है गोनोडक्ट मींस ओवरी से कनेक्टेड वो डक्ट जो गैमिट्स को ट्रांसपोर्ट करता है जैसे इन ह्यूमंस व्हाट यू फाइंड और इन अदर एनिमल्स उसका नाम क्या है ओविडक्ट ओके तो या तो ओविडक्ट में भेज दे एग को ओवरी से निकाल के दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन लेकिन इस एनिमल में गोनोडक्ट इज अब्सेंट तो ओवरी जो है रप्चर करके उसके अंदर से सेकेंडरी ओसाइट कहां गिर रहा है बॉडी के सिलोमिक फ्लूइड में सिलोम में सिलोम में नहीं एट्रियम में सॉरी एट्रियम में आ रहा है ओके तो उसको बोल रहे हैं हम क्या ओव्यूलेशन तो पहले क्या हुआ ओव्यूलेशन हुआ अब ओव्यूलेशन के बाद एट्रियम से नाउ यू कैन सी थाउजेंड्स एंड hundreds of eggs are matured at the same time and ovulate in this animal because this is lower chordate and then later on evolution jo hai hua is tarah se ki at the time of ovulation one egg will be there spawned will be laid spawning kehte hain jab bahut sare egg ko cloaca se या एट्रियोपोर से निकाल दिया जाए बहुत सारे एग को जैसे फ्रॉग में होता है फ्रॉग में भी क्लोका के थ्रू ओवी
ओवरी से ग्लोबुलर ओवरी होता है फ्रॉग में एंड थाउजेंड्स ऑफ नियरली नॉट आई एम फॉरगेटिंग बेसिकली 2000 होता है या 300 समझ लो कि 300 टू थाउजेंड्स ऑफ एग्स आर एग्स कम आउट ऑफ द बॉडी वाया क्लोका. सो इसमें भी यही एट्रियोपोर से बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एग्स निकल के बाहर आएंगे. सो उसको बोला जाता है स्पाउनिंग. सुने हो टर्म? यस सर स्पाउनिंग करता है पढ़े होगे लास्ट ईयर इकिनोडर्मेटा ये सब में. और स्पॉनिंग जो है एम्फियोक्सिस भी सॉरी एम्फियोक्सिस भी करता है फ्रॉग भी एम्फीबिया तक हो रहा है स्पॉनिंग. ओके अब देखिए तो पहले क्या हुआ ओव्यूलेशन देन स्पॉनिंग. अब क्या होगा स्पॉनिंग के बाद बताइए फर्टिलाइजेशन. ठीक तो स्पॉनिंग कहां हुआ बॉडी से बाहर एक्सटर्नल मीडियम में एंड दैट मीडियम इज वाटर. सो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. ओके एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस एनिमल आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज इनडायरेक्ट. कहने का मतलब बिटवीन एडल्ट टू ए मिनिएचर फॉर देयर इज ए लार्वल फॉर्म. बिटवीन जायगोट टू एडल्ट देयर इज लार्वल फॉर्म. ओके एंड देन लार्वल फॉर्म मेटामोरफोज इनटू एन एडल्ट फॉर्म. दैट्स व्हाई डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट इट इज कॉल्ड. ओके यहां तक समझ में आया आपको? अब फर्टिलाइजेशन इसका होगा. यस सर. व्हाट विल हैपन यस सर फर्टिलाइजेशन. ओके हाँ यहाँ पर आप देख लीजिए बहुत सारे हैं इसमें ओवरी दिख रहा है बहुत सारा एंड द न्यूक्लियस इज इजली सीन. सो दिस इज द वन कैन इजली से दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए फीमेल टीएस ऑफ ए फीमेल एम्फियोक्सस. इफ दिस गोनाडल रीजन इज शोइंग ए स्ट्रीकी स्ट्रक्चर यानी धुंधला जैसा ये धुंधला रहता न्यूक्लियस इज नॉट सीन स्ट्रीकी यानी सो मेनी टेल्स आर देयर देन व्हाट वुड हैव बीन द ऑब्जर्वेशन इट इज मेल एम्फियोक्सस एंड दिस इज टेस्टिस. सो दैट इज द डिफरेंस विजुअल डिफरेंस बिटवीन टेस्टिस एंड ओवरी. टेस्टिस लुक्स लाइक गिव्स यू स्ट्रीकी अपीयरेंस एंड नाउ व्हाट विल हैपन सिमिलरली मेल Amphioxus will also release its male gametes in atrium and thousands of gametes will be released in atrium and via atriopore male gametes will come outside of the body in the liquid medium and egg also has come spawning ho gaya. Thousands of eggs are there at one point. Guchha guchha ke jaisa hai egg jaisa. Spawning se yah ensure kiya jata hai क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होती है अब बढ़ जाती है इस फर्टिलाइजेशन की. सारे एग एक जगह पर हैं इन ए जेली लाइक मैट्रिक्स. सो इवन इफ वन स्पर्म कम्स देन द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन इंक्रीजेज बिकॉज दिस वन स्पर्म कैन हार्डली मिस एनी ऑफ दिस एग्स. सो इट हैज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन इंक्रीजेस. That's why spawning occurs. Now fertilization is happening. पीछे से towards vegetal pole, sperm has entered in the secondary oocyte. ये मिटा दूँ? Yes, sir. ये स्पर्म आया और स्पर्म जब एंट्री किया तो वो किसको क्रॉस किया पहले कौन मिला उसको वाइटलाइन मेम्ब्रेन मिला और उसके बाद उसको क्या मिला प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिला.
जब वो वाइटलाइन मेम्ब्रेन को क्रॉस किया स्पर्म, देन इट ट्रिगर्स ए रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन. आपको कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा. कॉर्टिकल रिएक्शन होता है, मेनी कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स. व्हाई दिस पेरिफेरल लेयर ऑफ द साइटोप्लाज्म इज ट्रांसपेरेंट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जस्ट बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एज द स्पर्म एंटर्स द एग, दीज कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स आर रिलीज्ड इन दिस पेरिवाइटलाइन स्पेस. The space between vitelline membrane and plasma membrane. Initially, it was closed. पहले दोनों सटा हुआ था, fertilization से पहले. ठीक. अब sperm का entry हुआ, cortical granules release हो गया plasma membrane से, but it is not crossing perivitelline space. Pinocytosis हुआ and it has come out in this space. This space, so this space is now filled with the cortical granules, and cortical granule brings cortical reaction, and as a result of this many changes occurs, now this cell has remarked as fertilized egg. So this is, these are one of the first set of events in which cortical reaction, and then cortical